नमस्कार मित्रों, साथियों, भक्त और उसकी भक्ति का कोई मोल नहीं है। मित्रों, ठाकुर जी के एक परम भक्त जो श्री गोसाई जी के शिष्य थे, सदा गुरु आज्ञा में रहकर भक्ति करते थे। हर साल उनके यहाँ जाकर तन मन धन से सेवा करते थे। एक बार समय की मार से उनका सभी धन नष्ट हो गया। वो हर वर्ष गुरु जी और ठाकुर जी की पोशाक भेजते, पर इस साल धन नहीं होने के कारण कुछ नहीं भेज पा रहे थे। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया और उन्होंने खोजना शुरू किया कि इस निर्धन घर में ऐसा क्या है कि जिसको बेचकर मैं अपनी परंपरा को कायम रख सकूं। घर में कुछ नहीं था सिवाय एक दवात के, जो कि पीतल की थी। भक्त ने उसको बेचा, वो ज्यादा पैसों की नहीं बिकी, जिससे किसी के लिए एक जोड़ी बढ़िया कपड़ा लिया जा सके। उन्होंने एक मोटे कपड़े का थान खरीदा और सोचा कि इस साल ये ही भेज देता हूँ, आगे जो ईश्वर की इच्छा होगी हो जाएगा। पर गुरु के घर में तुच्छ वेट लेकर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि अगर गुरु के घर से कोई आएगा तो उसे भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों बाद एक भक्त आया, उन्होंने वह कपड़ा उसको दे दिया और कहा कि गोसाई जी महाराज को कुछ नहीं बताना और ये कपड़ा भंडारी जी को दे देना। उन्होंने कपड़ा भंडारी को दे दिया। भंडारी ने उस कपड़े को नीचे बिछाकर सभी कपड़ों के नीचे दबाकर रख दिया और उसके ऊपर ठाकुर जी के कपड़े और श्रृंगार रख दिए। किसी को इसकी भनक भी नहीं थी, पर ठाकुर जी से अपने इस भक्त की उपेक्षा सहन नहीं हुई और उन्होंने लीला रच दी। अब गोसाई जी को बुलाकर कहने लगे कि उनको ठंड लग रही है, सारे कपड़े और कंबल सरकार को उड़ाने गए पर सर्दी नहीं गई। गोसाई जी महाराज ने समझ लिया कि किसी भक्त को सम्मान देना है, इसलिए लीला कर रहे हैं। अब गोसाई जी ने भंडारी को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस भक्त की पोशाक आई है, बही खाते में देख कर बताओ। उसने बताया, पर प्रभु कहने लगे कि मेरे उस भक्त का नाम इस बही खाते में नहीं है। और उसने पोशाक भेजी। गोसाई जी ने भंडारी से पूछा तो वो कहने लगे कि उन्होंने पोशाक नहीं भेजी, एक मोटे कपड़े का थान भेजा है। अब गोसाई जी ने उस मोटे कपड़े से ठाकुर जी का अंग रखा बनाकर उनको पहनाया तो ठाकुर जी ने कहा कि अब ठंड नहीं लग रही है। कितने भक्त बत्सल हैं मेरी सरकार, जो सगुण और निर्गुण दोनों रूप में भक्तों का हित करते रहते हैं। दास उनको सहस्त्र कोटि बंदन करता है, करें पालन पोषण सुरक्षा करते रहें वो। दयानिधि जो भक्त की शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके सदा ही भक्तों का मान बढ़ाते हैं। उन्होंने भिलनी के जूठे बेरों को खाया, सुदामा के चावल, विदुर का साग, द्रौपदी के चीर की कतर को भी स्वीकार कर उसकी कीमत चुकाई, उसकी लाज बचाकर उस दयानिधि वैकुंठाधिपति ने इस भक्त के मोटे कपड़े के थान को स्वीकार किया और उस भक्त और उसकी भक्ति को बहुमूल्य बना दिया। धन्य है आप मधुसूदन, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सदा उन सभी सच्चे भक्तों पर दया करके उनका उद्धार करो जो आज इस घोर कलयुग में सद्गुरु की सच्ची सेवा में लगकर आपको पाने में लगे हैं। आप उन सभी का कल्याण करो, दुष्ट जनों को दंडित करो, हे प्रभु सत्य की स्थापना करो। आइए मित्रों,
हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सत्य की स्थापना करें। मित्रों, आपको ये सच्ची कहानी सच्ची घटना सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और ये सच्ची घटना आपको मनमोहक लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही मनमोहक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।